हेलो स्पायरेंट्स, आई एम टी एच सोडी अगेन हेयर विद यू। तो अब जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो रिसर्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। एस्पायरेंट्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पर हर बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड्स ऑफ रिसर्च सेम ही, मतलब जो टाइप्स है रिसर्च की वही मेथड्स भी हैं। इसलिए ये मेथड्स ऑफ रिसर्च के सेक्शन में भी आ सकता है और टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी आता है। इसलिए हम ये वन बाय वन अब कुछ टाइप्स हम रिसर्च की यहाँ आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये जो टाइप्स हैं ये रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाती, किस तरह की रिसर्च है, किस तरह के सब्जेक्ट पे कौन सी रिसर्च की जा सकती है। तो सबसे बात करते हैं पहले जी बेसिक रिसर्च की। बेसिक रिसर्च का मतलब है कि बिल्कुल फाउंडेशन पर किसी थ्योरी का पता लगना, किसी कॉन्सेप्ट की नॉलेज हासिल करना, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक रिसर्च। उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं होता, उस पर प्रैक्टिकल नहीं, उसको का टेस्ट नहीं होता, सिर्फ टू नॉलेज ऑब्टेन करना, दैट इज़ बेसिक रिसर्च। अब जैसे हम बात करते हैं, कुछ लोगों कोई थ्योरी डेवलप कर देते हैं तो वो थ्योरी जो है उन्होंने जो डेवलप की वो उसकी बेसिक रिसर्च है, ठीक है जी। तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिक रिसर्च। अब जैसे अगर एग्जांपल में हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि न्यूटन ने सेब गिरता हुआ देखा तो उसको ये पता चला कि अर्थ जो है इट इज़ हैविंग ए ग्रेविटेशनल पुल, तो ये उसको नॉलेज हासिल हुई। तो यहाँ वो उसकी बेसिक रिसर्च है। जब तक उसको आगे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जाता या टेस्ट नहीं किया जाता तब तक वो बेसिक रिसर्च ही रहती है। तो बेसिक रिसर्च का मतलब है दैट इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ सम कॉन्सेप्ट, तो वो बेसिक रिसर्च है। इसके बाद है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है जो बेसिक नॉलेज हासिल हुई उस नॉलेज को आगे फिर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके उससे कुछ कंक्लूजन निकालना या उससे कुछ सजेशन जो है वो देना समाज को, सोसाइटी को, या वो जो है उसको एनालाइज करके कुछ नॉर्म्स और बनाना जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने बात की कि न्यूटन को सेब गिरता हुआ नज़र आया, तो उसके बाद फिर उस पर अप्लाइड रिसर्च हुई और उसके बाद लॉज बने, न्यूटन ने जो लॉज बनाए थे उसके बाद उन लॉज को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखा गया। और आज बहुत सी चीज़ें हमारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम, एरोप्लेन या और भी कई ऐसे चीज़ें बनती हैं जो न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल अर्थ का हर एक के लिए ही है, चाहे कोई हल्की या हैवी ऑब्जेक्ट है या कोई लाइट ऑब्जेक्ट है। अगर न्यूटन सोचता कि मुझे क्या पड़ी है, मैं उसको अप्लाइड रिसर्च में देखूँ, ठीक है पता चल गया, तो वो तब तक बेसिक रिसर्च ही रह जाती। प्रैक्टिकल रिसर्च यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें इसको एक्सपेरिमेंटेशन के फॉर्म में भी लेते हैं हम। तो ये जो रिसर्च होती है ये प्रैक्टिकल टू प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो होती है प्रैक्टिकल अप्लाइड रिसर्च। इसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट क्या है? क्वालिटेटिव का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे स्टडी करना या उस वेरिएबल पर स्टडी करना जिसको हम न्यूमेरिकल यूनिट्स में कन्वर्ट या एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब बहुत सी ऐसी स्टडीज़ होती हैं, बिहेवियरल स्टडीज़ होती हैं, फिलॉसफी की स्टडीज़ होती हैं, रिलीजन पर बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, उनमें रिसर्च की जाती है, उनमें प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंपेयर तो किए जा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं किया जा सकता कि उसको न्यूमेरिकल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें, जैसे किलोग्राम्स में या लीटर्स में या फीट में या माइल्स में, इस तरह। अब अगर किसी रिसर्च स्कॉलर को ये स्टडी करना है, किसी का बिहेवियरल स्टडी करना है, ये स्टडी करना है कि वर्किंग वुमेन और वर्किंग मैन जो है, अब इनमें से कौन सा जो लॉट है पॉपुलेशन का वो जल्दी टेंपर लूज करता है, सपोज ये स्टडी करना है। अब उसमें स्ट्रेस होता है जॉब में और मेल जो है वो स्ट्रेस को किस तरह लेते हैं, फीमेल्स किस तरह लेती हैं अपने काम के स्ट्रेस को, इस पर स्टडी करता है। और अगर ये कंपेयर करेगा तो यही कहेगा
किसको किसके मुकाबले में ज़्यादा गुस्सा आता है, किसको कम आता है और कितनी जल्दी वो टेम्पर लूज किया जाता है। ये कभी नहीं कोई कहेगा कि मेल को 50 किलो गुस्सा आ गया या 30 लीटर गुस्सा आ गया। तो ये क्योंकि क्वांटिटेटिव में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ क्वालिटेटिव में एक्सप्रेस होता है। तो ये इंटरव्यूज वगैरह लेके या फोकस ग्रुप्स होते हैं उनको, उनके अकॉर्डिंगली फोकस ग्रुप्स को रख के इंटरव्यूज करके ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद बात आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, इसमें वो वाले वेरिएबल्स पर, सब्जेक्ट्स पर रिसर्च की जाती है जिसके वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स लगते हैं इसमें, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगते हैं और उनको यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे कोई भी नेचुरल साइंस की स्टडी है, मैथमेटिकल स्टडीज़ हैं या और किसी भी सोशल साइंस की स्टडीज़ हैं जिनमें हम न्यूमेरिकल रिजल्ट्स निकालने हैं हमें और उनको यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। मिक्स्ड रिसर्च, मिक्स्ड का मतलब है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, हाइपोथेसिस कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करके भी स्टडी करना पड़ता है और क्वांटिटेटिव वे से भी उनको हमें स्टडी करना पड़ता है, यानी कि उन पर क्वालिटेटिव टेक्निक भी लगती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक भी लगती है। किसी भी नेचुरल साइंस का कोई सब्जेक्ट हो या किसी सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट हो तो उसमें कुछ स्टडीज़ में पहले उसका लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, तो वो डाटा एक मैक्रो लेवल पे पहले लेके उसके बाद उसको फिर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में भी कुछ वेरिएबल्स को निकालना होता है, तो वो होती है मिक्स्ड रिसर्च। इसके बाद आ गई जी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जो प्रैक्टिशनर करते हैं, यानी कि कई बार जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारी सोसाइटी में, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, टीचर्स हैं, जब वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये अगर पता लगाना हो कि उनकी सर्विस का जो बेनिफिशरीज हैं वो कितना उनको बेनिफिट हो रहा है, कितना उनका काम जो उसकी वजह से उनका बन रहा है और क्या आगे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इस तरह का जो रिसर्च किया करना होता है वो एक्शन रिसर्च जो है वो उसको बोलते हैं, अगर ये वाली रिसर्च करनी हो। और उसके बेसिस पे फिर डॉक्टर या इंजीनियर या सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं या उसको अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते हैं जिस तरह का लोगों से रिस्पांस मिलता है उनको। कई बार स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखना होता है, उस पर अगर किसी ने रिसर्च करनी है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है, टीचर्स ने जो पढ़ाया वो कितना फ़ायदेमंद रहा स्टूडेंट्स को, कितना उसमें जो है उनको नुकसान हुआ अगर कोई होता है, तो कोई स्टूडेंट पास हुए कोई फेल हुए, जब ये स्टडी देखी जाती है कि टीचर ने किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की और उसका क्या रिजल्ट निकला, वो भी एक्शन रिसर्च में ही देखा जाएगा। अब ये आप बात मान लीजिए, इस पर हमें एग्ज़ाम में मैक्सिमम बार जो क्वेश्चन आया है नेट के एग्ज़ाम में, आप चाहे पिछले 10-15 साल के पेपर्स को देख लो आज के से शुरू करके, एक्शन रिसर्च पे तकरीबन हर बार क्वेश्चन आया और उसमें यही लिखा होता है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। इम्प्रूवमेंट चाहे वो टीचर के अकॉर्डिंगली दें, चाहे किसी और कंसल्टेंट के अकॉर्डिंगली दें, लेकिन उसमें कई बार सिचुएशन दे देते हैं कि इस तरह इसकी जो है सर्विसेज का क्या असर किसी ने देखना है, तो कौन सी रिसर्च जो है वो सामने लेके आएगा या किस रिसर्च को अडॉप्ट करेगा, तो वो एक्शन रिसर्च है। तो माइंड इट, बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है, ये कॉन्सेप्ट एक्शन रिसर्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैं आपको पहले कहता रहा हूँ कि मेरी जो बुक है जीके पब्लिकेशन द्वारा जो प्रिंट की गई है उसमें इसका जो है MCQs, जो भी MCQs जनरल फॉर्मेट में, असर्शन रीजनिंग के फॉर्मेट में, और जितनी बार वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है उसमें सारे दिए हुए हैं और आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हो। तो एक्शन रिसर्च का माइंडेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है किसी को डिस्क्राइब करना, किसी की व्याख्या करना। अब ये वाली रिसर्च जनरली जैसे किसी की बायोग्राफी देखनी है, किसी पर्सनैलिटी पर रिसर्च करनी है, तो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आएगी उस तरह की मेथडोलॉजी लगेगी, उस तरह का टेक्निक होगा, उस तरह के उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसी तरह उसकी फाइंडिंग्स होगी।
तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके बाद रिलेशन और कोरिलेशन। अब रिलेशन और कोरिलेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि रिसर्च स्कॉलर ये देखता है, एक टारगेटेड पॉपुलेशन होती है। जनरली रिसर्च में आप ये वर्ड बहुत बार सुनेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर रहा है उसके सामने जितने भी उस सब्जेक्ट में मेंबर्स अवेलेबल हैं, उस सब्जेक्ट के मेंबर्स अवेलेबल हैं, वो सारे पॉपुलेशन कहे जाएंगे, वो टारगेटेड पॉपुलेशन होगी। उसमें से फिर रिसर्च स्कॉलर सैंपल पिकअप करता है। तो सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से पिकअप किया जाता है। अब यहाँ कोरिलेशन और रिलेशन किसका देखा जाता है, या तो टारगेटेड पॉपुलेशन में दो वेरिएबल्स का या एक सैंपल पॉपुलेशन में दो वेरिएबल का। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ये रिसर्च करनी है कि मेल और फीमेल सब्जेक्ट्स जो हैं या लोग हैं उनमें से कितने लोग जो हैं वो एक्शन फिल्म्स को पसंद करते हैं, कितने लोग जो हैं वो सोशल फिल्म्स को या आर्ट फिल्म्स को पसंद करते हैं, और कितने लोग कमर्शियल फिल्म को पसंद करते हैं। तो उसमें एक तो आएगी पहले टारगेटेड पॉपुलेशन। टारगेटेड पॉपुलेशन में मेल्स भी होंगे फीमेल्स भी होंगे, तो वहाँ जो वेरिएबल होंगे वो होंगे कमर्शियल फिल्म और आर्ट फिल्म, कितने लोग आर्ट फिल्म को पसंद करते हैं, कितने लोग जो हैं वो कमर्शियल फिल्म को पसंद करते हैं, मेल और फीमेल। उसमें से उसने अब चूज करना है, और क्योंकि उसने देखना है कि कितने मेल हैं जो आर्ट फिल्म को पसंद करते हैं या एक्शन को पसंद करते हैं, या कितने फीमेल हैं वो कितनी फीमेल आर्ट को पसंद करती हैं, कितनी कमर्शियल फिल्म को पसंद करती हैं। तो फिर वो सैंपल पिकअप करेगा। अब सैंपल में जो वेरिएबल बनेंगे वो बनेंगे मेल और फीमेल। तो पहले में टारगेटेड पॉपुलेशन में जो जो रिलेशन कोरिलेशन देखा जाएगा वो देखा जाएगा एक्शन फिल्म और आर्ट फिल्म का। अब सैंपल में जो रिलेशन देखा जाएगा वो देखा जाएगा या कोरिलेशन देखा जाएगा कि कितने मेल का जो है एक्शन फिल्म के साथ रिलेशन बनता है, कितनों का कमर्शियल सिनेमा के साथ बनता है, और कितनों का आर्ट फिल्म के साथ बनता है। इसी तरह कितने फीमेल जो है वो आर्ट फिल्म पसंद करती हैं और कितनी कमर्शियल फिल्म पसंद करती हैं। तो ये वेरिएबल होंगे। तो ये वाली रिसर्च जो है इसको हम बोलेंगे कोरिलेशन या रिलेशन रिसर्च। इसके बाद है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब देखिए बहुत से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कॉन्टीन्यूस होते हैं, यानी कि जो टाइम से चेंज होते रहते हैं, जैसे एज है, टेम्परेचर है, किसी की इनकम है, हाइट है, पॉपुलेशन है, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर कोई रिसर्च स्कॉलर करंट लेवल के कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की पोजीशन को देखता है या उसके अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्ट करता है तो उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। कि एक ही टाइम पे ना वो ये देखेगा इससे पहले कितना वो कंटिन्यूस वेरिएबल का एक्सटेंट था, कितना आगे होगा वो नहीं देखेगा। व्हाट इज द पोजीशन एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डूइंग रिसर्च एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग डाटा, उसकी इनकी क्या पोजीशन है। ये कंटिन्यूस वेरिएबल इनकम का लेवल देखना है, टेम्परेचर कोई देखना है, कोई पॉपुलेशन का देखना है लेवल, कोई एज का देखना है, हाइट का, मतलब ये सारे कंटिन्यूस वेरिएबल एट प्रेजेंट क्या उनकी स्टेट है, तो वो जो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में देखी जाती है। इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये उससे उलट है। इसमें कोई दो पीरियड की ग्रोथ देखी जाती है इन्हीं कंटिन्यूस वेरिएबल्स की, चाहे वो इनकम है, चाहे वो हाइट है, चाहे वो एज है, चाहे वो कोई और टेम्परेचर है, तो ये जो वेरिएबल्स है पॉपुलेशन है, तो ये वेरिएबल वो देखेगा कि स्टडी जब शुरू की तब उनका क्या लेवल था और जब उसने स्टडी ख़त्म की तब क्या लेवल था, यानी कि कोई टाइम पीरियड वो ले लेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 2020 में रिसर्च कर रहा है तो वो कहेगा जी मैं 10 साल पहले की कंपैरिजन भी करूँगा कि 2010 से लेकर 2020 तक कितनी ग्रोथ हुई है, कितना चेंज हुआ है इन वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल उसके अंडर इन्वेस्टिगेशन होगा वो ले लेगा। या वो ये लेगा प्रोजेक्शन कि आज 2020 में इतना है, अगर इसका ये रेट है या इसका ये एक्सटेंट है या रीजन है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हो रही है, तो आज से आने वाले 10 साल बाद कितना ग्रोथ होगा। तो या तो वो लेगा सम टाइम बिफोर द स्टडी हैज बीन कंडक्टेड एंड दैट टाइम
एट विच ही इज कंडक्टिंग द स्टडी, या वो लेगा प्रोजेक्शन कि आज वो जो स्टडी कंडक्ट कर रहा है उसके आगे आने वाले 5 या 10 साल जो भी उसने फिक्स करने हैं रिसर्च के अकॉर्डिंगली, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली वो लेगा, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो ये पार्ट जो है हमारा, अभी 10 रिसर्च टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और रिसर्च टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये मेरा लेक्चर है आज, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और मुझे ये भी लगता है कि जब ये लेक्चर दिए जाते हैं आपको तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस भी आते होंगे, कुछ क्वेश्चन पूछने की, तो इसमें क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ और साथ में अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी दे रहा हूँ, आप उस फ़ोन पे मुझे फ़ोन करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आई विल ट्राई कि आपको बिल्कुल कन्विंसिंग आंसर मिले और बिल्कुल आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो पहले मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ यहाँ, तो आप देख लीजिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9417962656। जो भी क्वेश्चन कोई भी पूछना चाहे आप, जो लेक्चर मैं करवा चुका हूँ उनमें से, या जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ उनमें से, या आगे भी जो करवाता रहूँगा। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है, उसका भी आप एड्रेस नोट कर लीजिए, www.sotiacademy.com। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरा एड्रेस वेबसाइट का लिंक है, तो यहाँ भी जाके आप मेरा साइट देख सकते हैं, हमारा जो शेड्यूल कैसे चलता है वो देख सकते हैं, यहाँ फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप किसी तरह मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी होगी दैट इज़ वेलकम, आई विल बी ग्लैड रादर कि आप पूछिए मुझसे। तो सो थैंकफुल टू यू, और ये लेक्चर अब यहाँ ख़त्म करता हूँ मैं, एंड होप टू सी यू अगेन, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।